हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल शाह टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ब्लाउज को कपड़े पर रखकर कैसे कटिंग करेंगे। ना हम किसी इंची टेप का यूज करेंगे, ना ही आपको नाप लेने की ज़रूरत है। जिस ब्लाउज से आप ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं उस ब्लाउज को लीजिए और कपड़े पर रख कर आप कटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे एक ब्लाउज हमने नाप लिया हुआ है, इसी को हम ऊपर रख कर कैसे कटिंग करेंगे वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज को हम हटा देंगे और जो हमारा कपड़ा है उसको हम नीचे से पहले यहाँ पे सीधा करेंगे। इस तरीके से पहले हम इसको यहाँ पे बिछा लेंगे, पहले हम नापेंगे कि हमारा, पहले हम नीचे से सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस तरीके से हम निकाल देंगे, अब इस तरफ हम देखेंगे कि हमारा 2 इंच यहाँ पे कपड़ा बच रहा है। पहले हम 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे, लगभग अगर आप मतलब इंची टेप नहीं लेना चाहते तो 2 उंगली रखकर यहाँ पे इस तरीके से नाप सकते हैं। यहाँ से हमारा जो यहाँ पे हमने निशान लगाया, अब हम दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। जो हमारा यहाँ पर ब्लाउज होगा उसी से हम निशान लगाकर वहाँ से लगभग 2 उंगली रखकर छोड़ सकते हैं। अगर आप इंची टेप का यूज करना ना चाहें तो यहाँ पर दो उंगली रखकर यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे निशान लगाया उसी को ऊपर ले जाएंगे और इस तरीके से हम कटिंग करके कपड़ा निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, हमारा कपड़ा निकलेगा उसी में हम आगे और पीछे का पार्ट निकालेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे। तो कपड़े को हम पहले एक पार्ट को हम छोटा बड़ा करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। अब हमारा जो ब्लाउज है तो ब्लाउज हम रख के देखेंगे कि लंबाई, तो जो छोटा वाला हमारा पार्ट है यहाँ पर हमने छोटा किया, ऊपर से शोल्डर से रख के नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर हमारा कपड़ा यहाँ पर ज़्यादा बच रहा है। तो हम लगभग और यहाँ पर लगभग एक एक जो हमारा एक उंगली होती है लगभग उतना हमारा यहाँ पर कपड़ा जो हम ब्लाउज रखेंगे उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर लगभग उतना ही बच रहा है, यहाँ पर अगर हम इंची टेप से नापेंगे तो हमारा लगभग 1 इंच बचेगा और अगर हम उंगली से नापेंगे तो हमारी 1 उंगली जाएगी। और नीचे की तरफ हम लगभग यहाँ पर 2 उंगली का कपड़ा रख के अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड। अब जो हमारा यहाँ पर छोटा पार्ट होगा वो हमारा पीछे का पार्ट होगा, जो हम आगे का हमारा बड़ा पार्ट होगा। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें निकालेंगे ब्लाउज जो गला और इसके शोल्डर। तो इस तरीके से हम ब्लाउज को फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा यहाँ पर गले का इस तरीके से जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो यहाँ से बिल्कुल किनारे से लगाकर जो हमारा ब्लाउज का गला है वहाँ से हम निशान लगाकर और जो हमारी यहाँ पर बाजू ज्वाइंट हुई है यहाँ पर हम देख लेंगे, जहाँ पर हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा वहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और थोड़ा हम ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि लगभग थोड़ा नहीं ज़्यादा लगा लिया क्योंकि हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। अब हम हमारी यहाँ बाजू जॉइंट हुई वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और इस गले वाले निशान को आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर नीचे निशान लगाए हैं उनको हम यहाँ पर चौकोर तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिला दिया, वहाँ नीचे की तरफ हम गोल गला निकाल देंगे, इसको भी हम चौकोर करेंगे और गोल गला इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है दोनों तरफ, अब हम इसी पर कर लेंगे कटिंग। अब हमारे जो शोल्डर जॉइंट हैं वो हम शोल्डर कर लेंगे अलग, शोल्डर को हम कर लेंगे यहाँ पे अलग।
और जो हमारा यहाँ पर छोटा वाला पार्ट होगा वो हमारा बैक पार्ट होगा और आगे का हमारा बड़ा पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, जो हम यहाँ पर पहले लेंगे बैक पार्ट को। बैक पार्ट में जो हमने आगे का गला जितना नापा था उतना ही यहाँ पर ले लिया, लेकिन बैक पार्ट का हमें गला यहाँ पर बढ़ाना है। तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से रख लेंगे। पहले हम यहाँ पर टक्स का निशान लगा लेंगे। अगर आप ऊपर से इस तरीके से लीजिए, जो हमारा शोल्डर होगा उसका बिल्कुल बीच से हम पकड़ेंगे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, वहीं पर हम एक टक्स डाल देंगे। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट में टक्स डल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे, इसका जो बैक पार्ट का गला है वो उस तरीके शोल्डर से पकड़ेंगे, इस तरीके से शोल्डर से पकड़ लेंगे जॉइंट और पूरा पीछे तक। यहाँ पर ये हमारा चौकोर गला है, ऊपर से शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे कि हमारा यहाँ पर चौकोर गला है। तो हम गले को यहाँ पर थोड़ा चौकोर गले का हमने निशान लगा लिया। अगर आपको यहाँ पर चौकोर बनाना तो चौकोर बना सकते हैं, नहीं तो हम गोल गले का शेप दे दे रहे। गोल गले का शेप देकर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे गोल गले की। इस तरीके से हमारा गोल गला यहाँ पर निकल आएगा, देखिए इस तरीके से। अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमारा जो आगे का पार्ट होगा वो हम लेंगे यहाँ पर। तो गले की तो हमने वहाँ पर कटिंग कर ही ली थी आगे की। अब हम जो आर्म होल पर गहराई देते हैं लगभग आधा इंच की वो देंगे यहाँ पर। पहले इसको बराबर रख लेंगे हम सही से। अब हम यहाँ पर आधा इंच की यहाँ पर गहराई देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था उसी पर हम कटिंग करेंगे। अब हमने कट करके निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो तीरा है तीरे का निशान लगाएंगे। तो हम ब्लाउज से नापेंगे कि तीरा हमारा कहाँ पर आएगा। तो ब्लाउज हम लेंगे, अगर आप इस तरीके से उंगली रख कर भी नाप सकते हैं, इस तरीके से चार उंगली रख के आप नाप सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं कट करना चाहते तो आप ब्लाउज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लाउज को हम लेंगे और यहाँ से रखेंगे। ये हमने यहाँ पे उल्टा साइज उल्टी साइड रख दिया। अब यहाँ पर इस तरीके से ये साइड हमें रखना है, देखिए। और लेकिन जो हमारी ऊपर सिलाई में थोड़ा गया है तो हम थोड़ा नीचे मार्जिन रख के ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हम मिला देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया टक्स का निशान। हम जो हमारी टक्स डली है उसी को हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी टक्स डल जाएगी। अब हम दो दो उंगली का गैप देकर यहाँ पर टक्स डाल देंगे। ये हमारी इस तरीके से आएगी, ये हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, ये हमारी आगे की तरफ। यहाँ पर हमारी फोर टक्स डल जाएंगी। अब हमने जो यहाँ पे निशान लगाया है उसी पर हम कर लेंगे कटिंग। तो आगे का पार्ट भी हमारा निकल आया। अगर आप किसी ब्लाउज को लेकर और रख कर भी कटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा आपको नाप तौल की ज़रूरत नहीं कि किसमें क्या शोल्डर क्या आर्म होल चाहिए। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारा जो कपड़ा बचा है उसमें निकालेंगे हम बाजू। उसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो दोनों बाजू हमारी एक ही साथ निकल आएंगे। ब्लाउज को लेंगे, जितनी बड़ी आपको ब्लाउज के अनुसार बाजू, थोड़ा मार्जिन यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। और इस तरफ भी थोड़ा मार्जिन रखेंगे, ये भी हमारा सिलाई में जाएगा। आर्म होल की तरफ हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसको इस तरीके से रख के भी निशान लगा लेंगे, इसको भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिए और इस निशान को हम कर लेंगे यहाँ पे पूरा। अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था उसी पर कर लेंगे हम कटिंग। इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली। तो बाजू की हमारे यहाँ पर कटिंग हो गई। इस तरीके से आप रख के बड़ी बाजू भी कट कर सकते हैं। आधा इंच की हम लगभग यहाँ पर बाजू पर गहराई देंगे। दोनों बाजू ओपन कर लेंगे, लगभग आधा इंच की यहाँ पर थोड़ी सी गहराई देंगे, क्योंकि बाजू हमारी छोटी है। बड़ी बाजू में हम ज़्यादा गहराई देते हैं, छोटी बाजू में हम कम गहराई देते हैं। तो यहाँ पर हम गहराई दे देंगे और यहाँ पर हम लगा लेंगे निशान। ये हमारे निशान लगाएंगे तो गहराई जिधर होगी वो हम आगे की तरफ ही अटैच करेंगे।
यहाँ पर पूरी हमारी कटिंग हो गई है ब्लाउज की। ये हमारे आगे और पीछे का पार्ट है, ये हमारी बाजू है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ब्लाउज को कपड़े पर रखकर कैसे कटिंग करेंगे। धन्यवाद।